सिंह जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ हर साल यह हॉकी स्पर्धा का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1972 से यहाँ पर इस नगरी में की गई है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिल्वर कप हॉकी टूर्नामेंट नाम से, जबकि जो खिलाड़ी कॉलेज के उस ज़माने में थे उन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की, जैसे कि मधुकर राव जी जालनेकर इसके प्रेसिडेंट थे, लड्डू सिंह जी महाजन इनके सेक्रेटरी थे, और बाकी जो पुराने खिलाड़ी इसके सदस्य थे उन्होंने 1994 तक यह टूर्नामेंट यहाँ पर अपनी ओर से चलाई, और ये टूर्नामेंट को बाद में उन्होंने सरदार नानक सिंह जी घड़ीसाज और उनके टीम को सौंप दिया। उन्होंने यह टूर्नामेंट 2001 तक इसे चलाया। बाद में यह टूर्नामेंट गुरमीत सिंह जी नवाब अध्यक्ष इस टूर्नामेंट कमेटी के और उनकी जो टीम है वे 2002 से लेकर आज तक इस टूर्नामेंट को चला रही है। और इस टूर्नामेंट को जो पहली जो ट्रॉफी थी वो सिल्वर ट्रॉफी थी, संत बाबा हरनाम सिंह जी ने इसे दिया था समिति को। उसके बाद में इस अभी जो चला रही है कमेटी, इनको संत बाबा कुलवंत सिंह जी, संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी ने इसे गोल्ड ट्रॉफी कमेटी को सुपुर्द की, इसलिए इस टूर्नामेंट का नाम आगे जाकर गोल्ड एंड सिल्वर टूर्नामेंट यह नाम इसका दिया गया। और यह ऑल इंडिया लेवल की हॉकी स्पर्धा है, जो कि भारतवर्ष में आज तक 1972 से लेकर आज तक अनबीटन चल रही है। जो यहाँ पर इंडिया में कई मैचेस हुए और बंद हो गए, लेकिन यह एकमात्र ऐसी स्पर्धा है जो कि 1972 से लेकर आज तक यह कंटिन्यू प्रतिवर्ष यहाँ पे होती है। और यह 50वां गोल्डन जुबली वर्ष यहाँ पे आप देख रहे हैं। इंडिया की नामी गिरामी टीमें, कई संस्थाओं की टीमें, कई फौज की टीमें, कई डिपार्टमेंट की टीमें, कई क्लब्स की टीमें इस स्पर्धा में भाग लेती है, और अलग अलग टीमों ने इसे अपने अपने दमखम पे जीता भी है। इस फर्स्ट प्राइज़ उन्होंने मारा है। आज इस टूर्नामेंट का प्राइज़ जो है, फर्स्ट प्राइज़ 1,00,000 रुपये का है, सेकंड प्राइज़ 51,000 रुपये का है, और थर्ड प्राइज़ 11,000 रुपये का है। यह टूर्नामेंट का सक्सेस का राज ये एक ही है कि यह टूर्नामेंट तखत सचखंड गुरुद्वारा साहिब बोर्ड, उसी प्रकार गुरुद्वारा लंगर साहिब, गुरुद्वारा नानक जीरा बिदर साहिब, और यहाँ के नांदेड़ वागाला महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, पत्रकार संघ और यहाँ के दानी सज्जन खेल प्रेमी इसे चलाते हैं। यही एकमात्र इसका राज है सक्सेसफुल का। और आप देख रहे हैं इसमें कोई पॉलिटिक्स वगैरह का कोई स्थान नहीं है। सब नागरिक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसे संपन्न करते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये टूर्नामेंट मनाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हर कोई अपना तन मन धन से योगदान देता है, और यह इसी की वजह है कि आज गोल्डन जुबली वर्ष हम यहाँ मना रहे हैं। धन्यवाद।